वसीम भाई, कैसी तैयारी है पाकिस्तान सुपर लीग के 7 की ड्राफ्टिंग के हवाले से, बताएं कोई खास करने जा रहे हैं? यार एक्साइटिंग टाइम्स, 7th PSL हो रहा है और ऑब्वियसली स्ट्रेटजी बता तो नहीं सकते कि क्या है हमारी, बट ड्राफ्ट इज़ अ काइंड ऑफ अ वेरी डिफिकल्ट थिंग, मुश्किल चीज़ है काफ़ी। इतनी आसान नहीं है कि आपको अगर ए प्लेयर चाहिए, बी चाहिए, सी चाहिए, वो मिल जाएगा उस कैटेगरी में। वो राइट टू मैच भी है, फिर उसके बाद वाइल्ड कार्ड भी है, ऑप्शन है। सो तीन चार ऑप्शंस आई सपोज हर फ्रेंचाइज ने बनाई होती हैं। सो लेट्स सी कि अब क्या होता है। बट आई थिंक जहाँ तक रिटेंशन का ताल्लुक है, कराची किंग्स स्टिक टू जो कोर उनके प्लेयर हैं उन्होंने रखे हैं और बाकी इस ड्राफ्ट से उठाएंगे इंशाल्लाह। वसीम भाई, बॉलिंग कहीं ना कहीं कंसर्न रही है कराची किंग्स का, तो इस बार क्या सोच कर आए हैं बॉलिंग को स्ट्रॉन्ग करने के लिए? देखो, जो लड़के हमारे पास ड्राफ्ट में हैं उन्हीं में से लेना है, जो कैटेगरी हमारे पास है उन्हीं में से लेनी है। अब आमिर इज़ वन ऑफ द मोस्ट एक्सपीरियंस बॉलर्स इन वर्ल्ड क्रिकेट, स्पेशली डेथ में। फिर इलियास ने लास्ट ईयर बॉलिंग अच्छी की थी, द रीज़न वी कैप्ट हिम कि आखिर में वो फील्डर भी अच्छा है और आखिर में आगे जोर भी लगाता है। और आपको पता है कि 8 ही प्लेयर रख सकते थे आप, अगर यू नो एंड एवरी फ्रेंचाइजी प्रॉब्ली लाइक के ज़रा ज़्यादा रख सके, बट जो रूल है वो तो रूल है। सो कोशिश करेंगे कोई ऐसे बॉलर रखे हैं, होप कोई यंग लड़के कोई आए हों ऐसे जो हमने प्लान किया, जो उनको हम पिक करें इमर्जिंग में। स्पेशली प्रॉब्लम टीमों को होती है इमर्जिंग में, बिकॉज इट्स अ बिग स्टेज फॉर एनी यंग बॉलर और अ बैट्समैन कम एंड परफॉर्म। सो जो इमर्जिंग में जो भी अच्छा करता है वो इवेंचुअली PSL के बाद मोस्टली पाकिस्तानी खेलता है। जैसे हमारा अरशद इकबाल था, ही बोल्ड वेल इन इमर्जिंग फॉर 2 ईयर्स, देन ही गॉट देन प्लेड फॉर पाकिस्तान। सो दैट्स उस्मान शनवारी एंड ऑल दीज गाइस। सो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड, वेरी डिफरेंट ये जो बनाया है कि इमर्जिंग प्लेइंग 11 में ज़रूरी है। आई थिंक दैट्स गुड फॉर द क्रिकेटर्स एंड पाकिस्तान क्रिकेट। वसीम भाई, रिटेंशन से कुछ 2 दिन पहले हमने सुना देयर वाज सम रंबलिंग अराउंड मोहम्मद आमिर पिक, और प्रॉब्ली देयर वाज अ चेंज ऑफ हार्ट फ्रॉम आमिर साइड और फ्रॉम योर साइड। आई डोंट नो, रंबलिंग सुनी थी आप लोगों ने, सुनी होगी आमिर ने, हमने तो कहीं नहीं सुनी यार। खुद ही गेस में साथ कुछ भी नहीं था मेरी, आमिर से शुरू दिन से बात हो रही थी, देयर वाज नो सच थिंग। ठीक है, इस किस्म के रूमर्स तो बहुत फैली हैं कि बाबर छोड़ के जा रहा है, इमाद छोड़ के जा रहा है, और जो ट्रेडिंग थी वो तो बड़े जोक्स थी कि क्वेटा से कोई एक आपके पास यहाँ आ रहा है और बाबर वहाँ जा रहा है, तो वो सब हकीकत आपने देखी जब बाबर का कैप्टन बन गया। तो ये तो चलता रहता है मीडिया पे। वसीम भाई, बाबर की कैप्टेंसी कैसे देख रहे हो कराची किंग्स की तरफ से? और सेकेंडली, पाकिस्तान का कप्तान है तीनों फॉर्मेट का, एंड ऑब्वियसली कराची किंग्स ने भी, हमारे ओनर सलमान ने, हु इज़ नॉट हेयर टुडे अनफॉर्चुनेटली, उनको जाना पड़ा कहीं बाहर, बट आई थिंक बाबर ने यहाँ से सिर्फ इम्प्रूव ही होना है। अब जब नया कोई कप्तान होता है इंटरनेशनल में या डोमेस्टिक में, जब कप्तानी करता रहता है, जितनी करता उतना बेहतर होता है, उतने उसमें डिसीजन की सेंस आती है, डिसीजन पावर आते हैं किस तरह मैंने करने हैं। आई थिंक ही इज़ ऑन द राइट ट्रैक बाबर। सर जी, आकिब से पूछा गया था कि अगर आपका फाइनल हो तो आप किसके खिलाफ खेलना पसंद करेंगे, तो उन्होंने कराची किंग्स का नाम लिया था 6th edition में। तो अब आपसे हम पूछ रहे हैं कि आपका अगर आप फाइनल में पहुंच हो तो किसके साथ मुकाबला करना चाहेंगे आप? आई रियली डोंट केयर, एनीवन, डजंट मैटर, एज लॉन्ग एज कराची किंग्स इन द फाइनल, कोई भी आ जाए चलेगा। अच्छा वसीम भाई, क्वेश्चन ये था कि इस सीज़न के अंदर भी हमें वही फॉरेन प्लेयर्स नज़र आए हैं प्लाटिनियम और डायमंड कैटेगरी में जो लास्ट PSL 6 में थे जी। क्या समझते हैं कि टीम्स के लिए कितना मुश्किल हुआ है प्लेयर्स को पिक करना, क्योंकि फॉरेन प्लेयर्स अवेलेबल नहीं थे? क्या समझते हैं कि मज़ीद प्लेयर्स को अप्रोच किया जाना चाहिए था? आई सपोज प्लेयर्स को अप्रोच किया हो शायद इन्होंने जी, किया है, बट प्लेयर्स उनके जो एजेंट्स को अप्रोच करते हो यूजली ओवरसीज प्लेयर्स के, सो दोज गाइज आर बिजी, दे हैव देयर ओन कमिटमेंट्स, कुछ बिग बैश में जाना चाह रहे हैं, कुछ इसके बाद एमिरेट्स लीग है शायद वहाँ जाना चाह रहे हैं, सो इट्स डिफ़िकल्ट, जो अवेलेबल है उसी में से। मगर येस, टीमों के लिए थोड़ा मुश्किल तो था कि प्लेटिनम में किसको रखना है और किसको नहीं रखना। इस साल जो यूजली पिछले 6 PSL में जो टीमें थी, जो थिंक टैंक था, वो करता था प्लेयर्स कैटेगरी डिसाइड, पर इस साल PCB ने कहा जी हम डिसाइड करेंगे, तो उन्होंने डिसाइड किया। नहीं, कुछ प्लेयर्स मेरे ख्याल इसलिए भी नहीं आए कि ओरिजिनल विंडो जो हमारी थी वो थी फैब के अंदर, लेकिन ऑस्ट्रेलिया का टूर है तो हमने अपनी विंडो जन में स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसकी भी अवेलेबिलिटी की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स हुई हैं। वसीम भाई, लास्ट टाइम कराची लेग अब ख़त्म करना पड़ा था जल्दी, आप भी घर चले गए थे टीम होटल छोड़ के वहाँ, लेकिन जो कराची स्टेडियम में मैचेस हुए थे, टॉस जो टीम जिसके हक में जा रहा था वही टीम कराची वाले सारे मैचेस जाके जीती, फिर अबूधाबी में जाके सिचुएशन चेंज हुई थी। अब रमीज राजा साहब के अंडर ये पहला PSL हो रहा है, आप कैरेक्टर वो कैरेक्टर सभी लोग, तो क्या तवक्को कर रहे हैं इस इवेंट के लिए? यार उसको ना रमीज कंट्रोल कर सकता है ना मैं कर सकता हूँ, अगर तू कर सकता तो बता दे, कोई आइडिया दे दे,
उस बंद करा दो कि ऐसी मेरा मतलब है, बट वर्ल्ड कप में देखा आप लोगों ने अभी 90% टॉस जो टीम जीती है वो मैच जीता है, तो इसका लॉन्ग रन में क्या हल होना चाहिए कोई इंटरनेशनल क्रिकेट में, डोमेस्टिक में? अब कवर स्टेडियम तो बन नहीं सकते, दे टू एक्सपेंसिव, और आई सपोज डे गेम्स आप कुछ कर कह सकते हो, बट डे गेम्स में आपको फिर वो टेलीविजन व्यूअरशिप नहीं मिलती, सो ये प्रॉब्लम्स तो है नॉट जस्ट इन पाकिस्तान, ऑल ओवर द वर्ल्ड यार। वसीम भाई, जिस तरह आपने कहा कि मोहम्मद आमिर बड़े अच्छे बॉलर हैं और एक्सपीरियंस बॉलर हैं, एक तरफ आप कह रहे हैं कि एक्सपीरियंस बॉलर हैं, लेकिन फ्रेंचाइजेज ने मुतअद्दिद जो प्लेयर्स हैं उनको डिमोट किया है, जो हमारे एक्सपीरियंस प्लेयर्स थे जिनमें प्लैटिनम से डायमंड आए, और प्लैटिनम वो हमने डिमोट नहीं किया, वो पीसीबी ने इस साल डिमोट किया है, ये आप लोगों को एज अ जर्नलिस्ट एग्जैक्ट पता होना चाहिए। पिछले 6 PSL में फ्रेंचाइजेस डिसाइड करती थी, अगर हमने अपने लड़के बताया तो बाकी 5 कहती थी नहीं ये पे होगा ये, बट इस साल PCB अब डिसाइडेड के क्या सुनने में आया कि रमीज राजा साहब ने ये तमाम लड़कों की लिस्ट बनाई, आई डोंट नो प्रोबब्ली बट PCB इज रमीज, सो या प्रोबब्ली यस, ये PCB ने डिसाइड किया। नॉर्मली होता क्या था कि हम वोटिंग करते थे एक दूसरे के प्लेयर्स के लिए पिछले 5-6 साल से, इस दफा ये कैटेगरी रिन्यूअल जो है वो PCB ने खुद किया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू गाइस।